सुरबनपुर जिले के बिनिका के पास मूर्ति तीर्थ पापशाह घाट में नव निर्मित जगन्नाथ मंदिर का रत्नमुद उत्सव अनुष्ठान हो गया है। इस अवसर पर राज्य सरकार के वाणिज्य और परिवहन मंत्री श्री पद्मनाभ बेहरा ने भाग लिया और वहां एक सार्वजनिक केंद्र का उद्घाटन किया। रत्नमुद उत्सव में कर्ता के रूप में पापशाह घाट विकास परिषद के अध्यक्ष संतोष पांडा अपने धर्मपति सहित भाग लेकर इस शोभा कार्य का संपादन। कार्यक्रम में कई जगन्नाथ प्रेमी तथा भक्त उपस्थित रहे। इसी प्रकार उरले गांव में रविंद्र पुस्तकालय के निर्माण के लिए शुभ स्तंभ बनाए गए। पर्यटन विषय डिस्कसन आम ठीक सभापति आम नेता ट्रस्टर सभापति एक डिमांड करा जोटा कि जगन्नाथ जोरदार आम भाई जे मैंने ये रहा सुविधा किसी ना हो आमर दईला घर गोटे परिकल्पना कराइला पश्चिम ओडार सेन्टर सपक्ष जगन्नाथ मंदिर करने दुई हजार नौ आरंभ कर बहुत बाधा विघ्न सत्वे सहयोग और स्थानीय विधायक तथा बर्तमान मुख्य सहयोग में आज आम आज रत्नभद्र पर्यटन पहुंची पारे आजिका रत्नभद्र मंत्री बहुत कर्मकर्ता साधारण जनता उपस्थित अच्छे चेस्टा करें सरला दुई हजार बैस विग्रह प्रतिष्ठा कर पचे पारे ये आम आशा कर आशीर्वाद करें मंदिर जिते शीघ्र करशीर्वाद जगन्नाथ मंदिर तैयारी आज रत्न तेनालीर रत्न कम प्रतिष्ठा करवा से लगे आज घर जो प्रसाद सुबनपुर से R9 भारत के संवाददाता रविंद्रनाथ होता की रिपोर्ट। राज्य सरकार की विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत देय की वृद्धि किया है। दरअसल जब से टाटा विद्युत वितरण संस्था ने राज्य सरकार के विद्युत विभाग को अपने हाथ में लिया है तब से बिजली की बिल बढ़ती ही जा रही है। संस्था ने दो बार बिजली का बिल बढ़ाते हुए पिछले 7 महीने में से 6 महीने के लिए 20 पैसा प्रति यूनिट और अब अप्रैल में 30 पैसा प्रति यूनिट करके कुल 40 पैसा प्रति यूनिट बढ़ा दिया है। उड़ीसा के विद्युत आमदनी राज्य के रूप में परिचित है। यहाँ कोयला और पानी सस्ते में और सुविधा में मिलता है। पानी में से विद्युत उत्पादन का खर्च कम होने के कारण विद्युत उत्पादन का मूल्य प्रति यूनिट 30 पैसा है। फिर भी 200 यूनिट या उससे कम यूनिट व्यवहार करने वाले उपभोक्ताओं से 4.60 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल लिया जाता है और 400 यूनिट या उससे ज्यादा यूनिट व्यवहार करने वाले उपभोक्ताओं से 6.20 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल लिया जाता है, जो कि विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बहुत असहनशील है। इस बढ़ते विद्युत देय को कम करने के लिए प्रदेश कांग्रेस समिति के आह्वान पर आज जगन्नाथपुरी में नगर कांग्रेस के सभापति श्री छविंद्र पड़ियारी, नगर कांग्रेस समिति के मुखपात्र श्री विनायक दास महापात्र, छात्र कांग्रेस के जिला सभापति श्री आशुतोष मिश्र, श्री राजेश मिश्र, श्री आलोक कुमार दास, श्री सीताकांत मोहंती, श्री काशीनाथ नायक, श्री कुलमणि दल, श्री निरंजन रथ सहित अन्य सभी नगर कांग्रेस समिति के छोटे बड़े कार्यकर्ता बाइक रैली में जाकर विद्युत विभाग के कार्यालय के सामने धरना देते हुए उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर श्री गणेश लाल जी को एक स्मारक पत्र प्रदान किए हैं।
আগামী দিনে যদি আমরা পক্ষে দাবি পূরণ না হয় রাজনৈতিক বিরোধ করি সুবিধা দেওয়া যাবে जगन्नाथपुरी से आनलाइन भारत के संवाददाता विभुदत्त राय की रिपोर्ट।